बहुत नींद आ रहा है यार अभी सारा रात देख के, पहले इंडिया का मैच देखा, उसके बाद फुटबॉल का मैच देखा, ऊपर से वीडियो बनाया, एडिट किया। ओके गाइस, दिस इज द सिचुएशन ऑफ अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट। अभी 4:30 हुआ है और अभी हम देखिए हालत क्या है एयरपोर्ट का। ये है मेरा पति, सब सोए हुए हैं एंड यू कैन इवन हियर दैट दे आर स्नोरिंग। हाय गाइस, वेलकम टू आवर होमकमिंग व्लॉग। होमकमिंग, ओह माय गॉड, बिकॉज वी आर सो एक्साइटेड कि हम लोग कोलकाता जा रहे हैं अपने घर, एंड राइट नाउ वी आर इन द एयरपोर्ट। दिस इज सो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट। अभी 4:30 हुआ है और आप लोगों ने शायद वो नज़ारा देखा होगा कि सब लोग सो रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो फीलिंग स्लीपी। मैंने तो फिर भी 2-3 घंटे सोए हैं, लेकिन ही इज स्टिल अवेक। ये तो देखो, ये चादर बिछा के सो गए यार। ये एयरपोर्ट नहीं यार, रेलवे स्टेशन। ये देखो, ये बंदा चादर बिछा के सो गए। चलो गाइस, आई विल कीप यू पोस्टेड कि हमारा होम का जर्नी कैसा होता है, एंड या कीप वॉचिंग। कोलकाता और बीच में एक्चुअली हम लोग इतना शूट नहीं कर पाए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था तो हम दोनों पूरे सो गए थे। और अभी क्या, कितना टाइम हुआ बेबी? साढ़े आठ हो रहा है मॉर्निंग, एंड या वी आर गोइंग होम। आर यू एक्साइटेड? यस बेबी, नाउ आई एम। सो लेट्स गो। तो अभी ससुराल पे है हम, और यहाँ पे बहुत रिलैक्स और मस्ती हो रहा है, बहुत रिलैक्सिंग है। और जैसे कि आप थोड़ा देख सकते हो कि हमारा जो घर है वो गांव में है, एंड गांव का जो क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट होता है बहुत ही डिफरेंट होता है। सो थोड़ा सा एक छोटा सा हाउस टूर कर देते हैं सो दैट यू कैन सी कि हमारा घर कैसा है। सो लेट्स टेक अ लुक। तो आइए हमारे घर पे। तो सबसे पहले ये है हमारा तुलसी मंच जहाँ पे हम पूजा करते हैं, और इस तरफ है हमारा गैरेज जहाँ पे हमारा कार रहता है। और ये तो हमारा घर है, और ये ऊपर वाला जो घर है वो हमारा है। मतलब हम जब आते हैं बेंगलोर से इधर तो हम वो ऊपर वाला घर पे रहते हैं। एंड कम, तो एक्चुअली ये जो घर है ये हमारा जॉइंट फैमिली है। मेरे ससुर जी और मेरे चाचा ससुर जी दोनों रहते हैं इस घर पे। तो जॉइंटली इधर रहता है, इस साइड हमारे चाचा जी रहते हैं और इस साइड हमारे मेरे ससुर जी रहते हैं। सो कम। और ये है हमारा फर्स्ट रूम, दिस इज माई सिस्टर इन लॉज रूम जहाँ पे उनका पढ़ाई का चीज़ें, कंप्यूटर वगैरह रहता है। और इसके ऑपोजिट में है हमारा सास ससुर का रूम, दैट इज़ अ बिगर वन। तो बस नीचे यही दो रूम है, और किचन है, डाइनिंग है। एक झलक दिखाती हूँ, ऐसा कुछ बड़ा वाला बहुत खास वाला रूम टूर नहीं है, बस हमारा गांव का घर कैसा है, बस थोड़ा सा झलक। और दिस इज, ये है हमारा मंदिर जहाँ हम पूजा करते हैं। और उसके बाद है ये सीढ़ियाँ जो ऊपर तक जाते हैं हमारे रूम की तरफ। उसके बाद ये है डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम के बाद है बड़ा वाला रूम जो हमारे सास ससुर का है, एंड दैट इज अ किचन। तो ये है एक किचन, और इसके साइड पे है एक और किचन जहाँ पे मेरे सासू माँ लकड़ी के चूल्हे पे वो कुकिंग करते हैं। तो दिस इज द किचन। सो गाइज, यू कैन डेफिनेटली सी कि गांव का किचन कैसे होता है, गांव का रूम कैसा होता है। और एक चीज है, तो ये एक्चुअली हैंडपम्प है जो हम डेली बेसिस पे क्लीनिंग वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि मैं पैर धोने के लिए यूज कर रही हूँ।
और मोटर वाटर टैंक भी है, लेकिन ये एक्चुअली हम ज्यादा यूज करते हैं फॉर डेली क्लीनिंग पर्पस। तो अब हम चलते हैं ऊपर। ओके कम, चाबी दो। रूम बहुत ही मेसी है क्योंकि हम आए हैं और सब सामान हमने इधर उधर करके रखा है, सो प्लीज डोंट माइंड। तो ये है हमारा ऊपर का रूम, इधर हम रहते हैं, इसके अटैच बाथरूम है और इसके साइड पे भी एक और सिमिलर रूम है। अब हम चलते हैं छत पे, तो उधर से आपको पता चलेगा कि हमारे घर के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। तब तो ये है हमारा छत और इसके आसपास जो बिल्डिंग्स देख रहे हो ये सारे मतलब हमारे रिलेटिव्स ही हैं, कजिन ब्रदर सिस्टर एंड ऑल, काइंड ऑफ होता है ना, बहुत दिनों से एक साथ इधर रहते हैं। तो या दिस इज द गांव का हरा भरा एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको प्योर ऑक्सीजन मिलता है। और इधर आ जाइए, आपको एक पॉन्ड मिलेगा। ये जो तालाब है ये एक्चुअली यूज़ नहीं हो रहा है अभी, और इसके साइड में बम्बू का जो झाड़ होता है वो है। और या कितना हवा चल रहा है अभी, देखो बहुत अच्छा है। और देखो नारियल इधर से तोड़ के आप खा सकते हो, पी सकते हो नारियल पानी, वेरी गुड फॉर स्किन एंड हेयर। ओके, और ये एक एक्स्ट्रा रूम है, गेस्ट रूम और एक्स्ट्रा रूम, अगर किसी कोई एक्स्ट्रा पीपल और कुछ फंक्शन होता है तो ये रूम यूज होता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा टूर कि हमारा घर कैसा है, गांव का घर। बहुत शांति है इधर, इतना नॉइज नहीं है और पोल्यूशन नहीं है। ट्रू। आपको इधर कोई भी कार का वो चिक चिक वैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो या दिस इज काइंड ऑफ पीसफुल एरिया टू लिव इन। सो नाउ दिस इज ब्रेकफास्ट टाइम and we all together having breakfast. तो मैडम आज क्या स्पेशल है? आज मम्मी का हाथ का पराठा। Guys, this is the outer kitchen और ये है हमारी मम्मी जो अभी cooking कर रहे हैं। मम्मी क्या बन रहा है? प्रॉन्स। तो ये है हमारा काठ का चूल्हा जहाँ पे लकड़ी। तो दोस्तों ये है हमारा लकड़ी का चूल्हा जहाँ पे मम्मी लकड़ी से ये चूल्हा बनाते हैं, और गैस का भी है, लेकिन जनरली क्योंकि ये गांव का एरिया है और जहाँ पे बहुत सारे लकड़ियाँ होता है तो ये खाना बन रहा है, मम्मी बना रही है। तो मैडम आप नहीं बनाते लकड़ी के चूल्हे में खाना? नहीं, मैक्सिमम मम्मी बनाते हैं, मैं बस हेल्पर हूँ मैं मम्मी का। तो ये दोनों चूल्हा है, इधर आप देख सकते हो कि राइस बन रहा है और इधर प्रॉन्स का एक सब्जी है जो एक्चुअली मम्मी का स्पेशल है, मैं बस थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ। तो ऐसे हम लकड़ी देके ये चूल्हा जलाते हैं। तो इधर बहुत सारे लकड़ी होते हैं हमारे इधर, और इसमें खाना बहुत टेस्टी भी होता है। सो गाइज आई जस्ट केम हेयर फॉर ए क्विक वॉक एंड देख सकते हो कितना अच्छा इधर रिवर है एंड नाइस प्लेस टू बी। ये अराउंड 4 to 5 किलोमीटर है मेरे घर से एंड थम्स अप। अभी मेरे जो मम्मी पापा है हमारे घर पे आए हैं और अभी लंच हो रहा है, तो मैं बस आपको दिखाती हूँ कि कैसे सब लंच कर रहे हैं। Guys, see the सामान we are taking to our home. ये banana, then mocha, नारियल। तो हम अभी से मतलब जुगाड़ कर रहे हैं
कि क्या क्या घर पे लेके जाना है. सो द हाउस इज मेस. सी द पैकिंग. हेलो. ठीक से पैकिंग करना. हाँ, ये मेरा डिनर सेट है. ये एक्चुअली शादी में गिफ्ट हुआ था तो हम लेके नहीं गए थे. तो अभी सोच रहे कि लेके जाए डिनर सेट. कभी कभार काम आ जाता है. ठीक से पैक करना. हाँ, अगर टूट गया तो. और ये सब क्या है बेबी, ये सब क्या है? ये सब आपका काम है. ऐसा ही होता है जब आप घर से बाहर होते हो तो ऑब्वियसली घर वाले दे ही देते हैं. क्या मैडम, बहुत काम कर लिया? हाँ, एक्चुअली गर्मी बहुत है यार. नहाया मैंने लेकिन उसके बाद भी वी आर स्वेटिंग. अभी थोड़ी देर के बाद खाना वाना खाएंगे. इलिश माच, चिंगड़ी माच. सो गाइज, आई एम एंडिंग द व्लॉग हियर. आज हम वापस जा रहे हैं तो खाना वाना लंच सब कुछ हो गया एंड आई एम रेडी टू गो बेंगलोर. एक हफ्ता बहुत ही अच्छा इधर बीता है एंड वी एंजॉयड अ लॉट. तो या अभी हम जाएंगे वापस एंड आई होप यू लाइक द व्लॉग, लाइक द वीडियो, लाइक आवर लिटिल होम. अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट, कीप स्माइलिंग. बाय बाय गाइस. सी माई कुली नंबर वन. क्या बेबी, एयरपोर्ट पे भी इतना सारा सामान लेके जाते हो? हाँ, आदत नहीं छूटी ना. घर से आ रहे हो तो सामान तो बहुत सारा हो गई. हाँ, सामान तो आएगा ही. जितना मर्जी मना करो फिर भी भर भर के आ जाता है. ये जरा सी गलत है. क्या जरा सी गलत है? क्या गलत है मैडम? आई हाँ, आगे देखा गूगलर्स. एक्चुअली मुझे चाहिए था ये दोनों कलर्स का लेगिंग्स. तो एक्चुअली पहले आपने बताया कि देखो गो कलर्स कुछ लेना है क्या? वो जो उंगली करना होता है ना, आपने उंगली कर दिया और फूक गया मेरा 948. चलो अभी कुछ खा लेते हैं. पैसे तो मेरे ही हैं, वो भी ले देंगे. हाँ. फिर